अब बात कर लेते हैं मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट की। जी हाँ, राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट 2027 में पूरा होगा। आपको बता दें कि सुभाष नगर के से करोंद दूर का काम शुरू होगा, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की और समत्व भवन में भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई है। मीटिंग में कैलाश जयवर्गीय और प्रतिभा बागरी भी इस दौरान मौजूद रही, जहां मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अधिकारी भी इस दौरान शामिल हुए। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जहां पर कैलाश जयवर्गीय के साथ ही साथ प्रतिभा बागरी और कई मंत्रीगण मौजूद रहे, अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, किस प्रकार से काम किया जा रहा है, इसका अपडेट लिया और सख्त निर्देश दिए हैं कि 2027 तक इंदौर भोपाल मेट्रो ट्रेन का जो ये रूट है वो पूरी तरीके से पूरा होना चाहिए, पूरा कार्य होना चाहिए, ताकि जो भोपाल वासी है, इंदौर वासी है, वो इसका लुत्फ जल्दी उठा सके। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता रंजना दुबे जुड़ गई है। रंजना, हाल ही में कैलाश विजयवर्गीय ने एक बैठक रखी थी, जिसमें ये सामने आया था कि अभी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट को थोड़ा समय और लगेगा, यानी कि जो प्रोजेक्ट 2026-27 में पूरा होना था उसे 2023 तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में क्या ये समझा जाए कि इस कार्य में तत्परता सामने आएगी? देखिए, मेट्रो प्रोजेक्ट को रफ्तार देने के लिए आज की जो बैठक है वो रखी गई थी, और इसमें मेट्रो प्रोजेक्ट किस गति से आगे बढ़ रहा है और कब तक पूरा होगा, इसको लेकर जो पूरी रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से ली है। और इस बैठक का जो उद्देश्य है वो यही है कि जल्द से जल्द मेट्रो को शुरू करना है, क्योंकि जो मेट्रो की रफ्तार है वो धीमी पड़ गई थी। अभी बीच में जिस तरीके से आचार संहिता लगी थी, उसके बाद लगातार जो इस प्रोजेक्ट को लेकर जो गति है वो धीमी पड़ती हुई नजर आई थी। इसका जो लक्ष्य था कि इसे जल्द से जल्द 2024 तक पूरा करना है, लेकिन वो टारगेट अभी तक पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अब कोशिश यही है कि 2026 से 2027 से पहले इंदौर में भी जो मेट्रो है, जो प्रोजेक्ट है, वो पूरी तरह से रफ्तार पकड़ ले, और जो लोग हैं इस मेट्रो का इंतज़ार कर रहे हैं, ना सिर्फ राजधानी भोपाल में बल्कि इंदौर में भी, तो उनको जल्द से जल्द जो मेट्रो की सौगात है वो दी जा सके, ताकि लोग मेट्रो में सफ़र कर सकें और जो उनका समय है वो दूर दराज जाने के लिए वो भी बच सके। क्योंकि यहाँ पर सुभाष नगर अंडर ब्रिज के पास जो मेट्रो का काम चल रहा है वो राजधानी भोपाल को कनेक्ट कर रही है, इसमें एम्स भी है, लेकिन आगे जिस तरीके से मंडी द्वीप तक इसको जोड़ने का काम है अनुपमा, उसको भी रफ्तार दी जा सके। कुल मिलाकर मकसद यही है कि जल्द से जल्द मेट्रो का शुभारंभ हो सके और लोग इसका लाभ ले सके। जी बिल्कुल, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद में जल्द ही जो लोग हैं, चाहे राजधानी की बात कर ली जाए, इंदौर की बात कर ली जाए, उन्हें एक यहाँ पर मेट्रो की सेवा जल्द ही मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया रंजना, तमाम जानकारी हम तक